हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आज हम अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं होल नंबर्स। हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन किए थे, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 2.3 एक्सरसाइज हमारी। तो जो इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। जैसे कि हम मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कौन सा जो हमारा पार्ट होगा वो जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो देखेंगे 1 + 0 कितना होता है 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। और 10 - 10 क्या होता है, 0, 0 बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो जो हमारा ये वाला ए पार्ट है वो हमारा जीरो को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए। ओके, जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज जीरो। अगर किन्हीं दो होल नंबर की जो प्रोडक्ट है वो क्या है, जीरो है, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो। उनमें से एक या दोनों के दोनों क्या होंगे, जीरो होंगे, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स इसको जस्टिफाई करना है। तो देखो, जैसे कि पहले हम 1 0 लेके चलते हैं, इफ वी मल्टीप्लाई टू होल नंबर इफ 1 इज 0। जैसे कि देखो, 1 × 0 इज इक्वल टू 0, 2 × 0 इज इक्वल टू 0, 3 × 0 इज इक्वल टू 0, 4 × 0 इज इक्वल टू 0। तो किसी भी होल नंबर को, नॉन जीरो नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये जो हमारा 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 0, अगर 1 भी 0 होगी, मतलब कि जो 1 नंबर 0 होगा तो भी हमारी प्रोडक्ट क्या आएगी, 0 आएगी। अगर हम बोथ नंबर को 0 लेते हैं तो भी हमारी प्रोडक्ट क्या होगी, 0 होगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, यस, कैन वी से दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 0। तो हमारा आंसर क्या होगा, यस वी कैन से दैट। अगर एक 0 है और अदर जो नंबर है वो नॉन जीरो है तो भी उनकी प्रोडक्ट 0 होगी, अगर दोनों के दोनों 0 हैं तो भी हमारी प्रोडक्ट क्या होगी, 0 होगी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 1, किन्हीं भी दो होल नंबर की जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 1 है, कैन वी से दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 1। उनमें से एक या दोनों क्या होंगे, 1 होंगे, जस्टिफाई थ्रू एग्जांपल्स। अगर हम 1 नंबर को तो 1 लेंगे एंड अदर को, जैसे कि मान लो हमने मल्टीप्लाई किया 2 को 1 से, इसमें जो 1 नंबर है हमारा 1 है, मतलब जो एक नंबर है वो 1 है, 2 आंसर आया। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 4 को 1 से करेंगे तो 4 आएगा, मतलब 1 नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल टू 1, कभी भी 1 नहीं आएगा। अगर हम एक नंबर जो है हमारा 1 लेंगे, ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो प्रोडक्ट 1 नहीं आ रही है, अगर बोथ नंबर को 1 लेते हैं तो ही 1 आएगा। तो इसमें जो हमारा आंसर क्या होगा, वो इफ बोथ नंबर्स आर 1, अगर दोनों के दोनों जो नंबर है हमारे वो 1 होंगे तभी उनके जो प्रोडक्ट है वो 1 आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ठीक है, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4th में देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4th में है, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको लास्ट क्लास में, जो हमारा सेकंड लेक्चर था उसमें बताया था मैंने आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका यूज कैसे करते हैं, वो मैंने आपको थर्ड लेक्चर में बताया था। तो अभी कुछ क्वेश्चन है उसके ऊपर, वो देखो कैसे सोल्व करने हैं आपने। जैसे कि 7 to 8 को मल्टीप्लाई करना आपने 101 से, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज इस तरीके से कर सकते हैं हम, इसको जो 101 है इसको लिख सकते हैं हम 100 + 1, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 100 की 7 to 8 के साथ क्या आएगी, ये आएगी, और इसकी 1 के साथ क्या आएगी, ये आएगी। अब क्या करना है आपने, इन दोनों को ऐड करना है, तो 8 0 8 2 0 2, 7 और 8 कितना होता है, 15, यह आ जाएगा 3 और यह आ जाएगा 7।
तो ये जो हमारा होगा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था, इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन में। आपके इस फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास इसके 5 पार्ट्स हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट मैंने बताया आपको, सेकंड बता देता हूँ, थर्ड पार्ट जो है ये, बाकी आपने इसके ट्राई करने हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में देखो क्या है, 824 को मल्टीप्लाई करना आपने 25 के साथ। तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको 20+5 हम लिख सकते हैं। जो इजी, जो इजीएस्ट से हम, मतलब आसानी से हम जिसको मल्टीप्लाई कर सके, आपने वही पार्ट बनाने हैं इसके, ठीक है। जैसे कि 101 था, इसको हमने लिखा 100+1, क्योंकि 100 को से भी हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 1 से भी आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 25 था, तो हमने यहाँ पर 20+5 लिया, ठीक है। इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले क्या आएगा, 5 से करेंगे तो 5 से करेंगे अब तो ये जो हमारा आंसर आ जाएगा इसको, इस पार्ट का, ठीक है। तो इस तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके इसको सोल्व करना है। तो इस तरीके से जो बाकी पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट है इसके, वो आपने ट्राई करने हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है, वो देखो कैसे करना आपने सॉल्व। इसमें आपको ये जो क्या लिखा है, स्टडी द पैटर्न, ये पैटर्न दे रखा है आपको, ठीक है। तो राइट द नेक्स्ट टू स्टेप्स, इसके नेक्स्ट टू स्टेप्स लिखने हैं आपने। कैन यू से हाउ द पैटर्न वर्क, पैटर्न वर्क कैसे कर रहा है, वो मैंने आपको सिस्टमेटिक तरीके से इसको लिख के दिखा दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से पहले सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे इनको, ये हमारा इस तरीके से पैटर्न हमारा वर्क करेगा। जैसे कि 1 के बाद 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5, यहाँ पर सभी में 8 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, इस तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं ये नंबर, ये भी नंबर इंक्रीज हो रहे हैं हमारे, ये भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो साथ में ये भी इंक्रीज होंगे। जैसे कि 9 था, फिर 9 8 हुआ, फिर 9 8 7, 9 8 7 6, 9 8 7 6 5, तो नेक्स्ट क्या होगा, 9 8 7 6 5 4, इस तरीके से। तो यहाँ भी हम पैटर्न को बढ़ाएंगे, जैसे कि 1 था, 1 2 आया, फिर 1 2 3 आया, फिर 1 2 3 4 आया, फिर 1 2 3 4 5 आया, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा यहाँ पर। ये पैटर्न बन गया हमारा, सभी में 8 है, तो यहाँ भी क्या आएगा, 8+1 2 3 4 5, तो यहाँ क्या आएगा, 6। इसी तरीके से इस पैटर्न को भी आगे बढ़ाएंगे हम, जैसे कि 9 8 7 6 था, फिर क्या है, 9 8 7 6 5, तो आगे क्या आएगा, 9 8 7 6 5, यहाँ पर आ जाएगा 4। ये हमारा फर्स्ट नेक्स्ट स्टेप था। जो सेकंड नेक्स्ट स्टेप है हमारा, वो क्या होगा, जैसे कि ये 6 तक गया, तो आगे 7 तक करेंगे हम इसको, 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस यहाँ पर 7 आ जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7। तो नेक्स्ट क्या होगा, 9 8 7 6 5 4, नेक्स्ट क्या होगा, देखिए इंक्रीज होता है तो 3। तो इस तरीके से आपने इसको सोल्व करना है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.3। तो इस चैप्टर में जो हमारा सेकंड चैप्टर था, ये होल नंबर का 6th क्लास में, तो इसकी जो 3 एक्सरसाइज थी हमारे पास, तो वो 3 एक्सरसाइज मैंने आपको करवा दी है। तो आपने क्या करना है, 3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करने हैं आपने, और किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में उनको डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।